दोस्तों, अभी हम सीरीज कर रहे हैं केनेथ एंडरसन की बुक द नाइन मैन ईटर्स एंड वन रोग। उसकी सेकंड स्टोरी है द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर। करीब 15 पेज की स्टोरी है और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूं। अब ये कहानी लेपर्ड के बारे में है, क्योंकि आप नाम से ही समझ गए होंगे स्पॉटेड। तो एंडरसन बताते हैं, लेपर्ड भारत में हमेशा से रहता हुआ आया है और टाइगर की तुलना में पुराना जीव है। मतलब टाइगर इंडिया में बाद में आया, लेपर्ड पहले से यहाँ का निवासी था। लेपर्ड या पैंथर एक ही बात है। अब क्योंकि लेपर्ड का साइज टाइगर के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो बहुत सारे लोग इसका उपहास उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग इसको कमजोर मानते हैं, उतनी केयर नहीं करते जितना वो टाइगर से डरते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो ये बताने को होते हैं कि उनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। यानी कि जो टाइगर जिस पर अटैक करता है उसका काम तमाम हो जाता है, कोई बचता ही नहीं बताने के लिए। लेपर्ड के अटैक बताने के लिए सारे लोग, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग बच जाते हैं, क्योंकि लेपर्ड जब अटैक करता है तो काटता है, पंजे से नोचता है, भाग जाता है। वो इमिडिएटली गर्दन पकड़ के उसका गला नहीं दबा देता है, इसलिए ये कंडीशन है कि लोग लेपर्ड से उतना डरते नहीं है, जबकि है ये बहुत खतरनाक जानवर। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बड़ा खतरनाक है, लेकिन जब वो टाइगर मुझे जंगल में मिला था, मेरा जो वीडियो है टाइगर की दहाड़ और हमारी दौड़, उसमें मैंने जब हम लोग जंगल से निकल के बाहर आ गए थे, जब टाइगर ने दहाड़ा था और हम लोग भागे नहीं थे, निकल के बाहर आए थे, तो मैंने बोला था कि टाइगर था, डरने की बात थी, अगर लेपर्ड होता तो फिर भी एक बार मुकाबला कर सकते थे। उसका कुछ सब्सक्राइबर्स ने, या सब्सक्राइबर नहीं होंगे, वॉचर्स ने कमेंट लिखा कि ये वाला अच्छा था। मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने लिखा ये वाला अच्छा था कि लेपर्ड का मुकाबला कर सकते हैं। तो मैंने फिर उनको कहा कि आप थोड़ा वीडियो सर्च करके देखो कि निहत्ते भी अगर आप हिम्मत के साथ लेपर्ड से मुकाबला करोगे तो मुकाबला कर सकते हो, टाइगर से तो मुकाबले का इशू ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं शुरू होता। आप मुकाबला करने गए, उसने यूं मारा, काम तमाम। लेपर्ड के यूं मारने से आपका काम तमाम नहीं होता। तो अभी हालांकि इस स्टोरी में बोल रहा हूँ कि लेपर्ड डरने की चीज़ है, उपहास नहीं करना, लेकिन मैंने उपहास नहीं उड़ाया था, जो प्रैक्टिकल बात है वो बताई थी। ढेरों वीडियो में, इस वीडियो में अटैच कर सकता हूँ, कॉपीराइट के चलते नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप गूगल करके देखोगे, एक तो रिसेंटली मैंने कल ही आज सुबह ही इंस्टाग्राम पर डाला है। आप मेरा इंस्टाग्राम मेरे यूट्यूब के अबाउट अस में दिया है, वहां से आप जाइएगा तो साइकिल वाला जा रहा है, उस पर लेपर्ड दौड़ता हुआ आता है, ये आसाम का वीडियो है, भाग जाता है। टाइगर होता तो भागता, उसी को लेके जाता, उसको भागता। तो यहाँ उपहास उड़ाने वाली बात मैंने नहीं करी थी, ये तो इन्होंने लिखी है, केनेथ एंडरसन ने। मैंने प्रैक्टिकल बात बताई थी कि अगर लेपर्ड आ रहा है, हिम्मत से काम लोगे तो आप सामना कर लोगे। एक वीडियो और है, अगर आप सर्च करके देखोगे कि फॉरेस्ट वाले या पुलिस वाले उसको कुछ कर रहे थे, एक पे अटैक कर दिया, दूसरा फॉरेस्ट वाला निहत्ता ही लेपर्ड के बीच में आ गया, मतलब जिस आदमी पे अटैक कर रहा था उनके साथी पे, और वो उसने दो चार बार खरोचा, उतने में झटका मारा, उधर गिरा, भाग गया। लेपर्ड का होता है किसी तरह से आपको डराया जाए, इंजर्ड करके, उसका खुद भागने की तरफ दिमाग होता है। तो ये प्रैक्टिकल बात है कि लेपर्ड अगर आए तो आप हिम्मत मत छोड़ दो। मेरा ये बात बताने का पर्पज इस स्टोरी को बीच में रोक के ये है कि क्योंकि यहाँ तो हम बात ही कर रहे हैं स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि जो मैन ईटर है कितना खतरनाक होगा। रुद्रप्रयाग मैन ईटर, पनार मैन ईटर को आपने देखा ही है, लेपर्ड थे और खतरनाक थे। लेकिन कॉन्फिडेंस से ही 90% चीजें होती है। मैं एक चीज आपको एग्जांपल और दे दूं, मुझे अभी अचानक से याद आया, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला भी है कि सर आजकल आप दो चार स्टोरी से अपने इनपुट नहीं डाल रहे जो आप डालते थे। तो मैं सोचता था जो स्टोरी है स्टोरी रहने दो, लेकिन चलो जो सब्सक्राइबर को भी पसंद है तो मुझे तो पसंद ही है अपना ज्ञान देना। बीच में याद आ जाता है कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर की पट्टी है, ये रेड है, ये जो ब्लैक कलर की पट्टी, इसका ही साइज आप ले लो, अगर एक ये 100 मीटर लंबी में बिछा दूं और उसके नीचे कुछ भी नहीं, सिर्फ जैसे यही जो दीवार है उसको नीचे गिरा दूं, दो तरफ लाल है एक तरफ काला है, इसमें मैं आपसे बोलूं 100 मीटर चल के चले जाओ, आप चल के आँख बंद करके भी चल के चले जाओगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप चले जाओगे। लेकिन इसी काली पट्टी को मैं 1 किलोमीटर गहरी खाई या 100 मीटर गहरी खाई कर दूं दोनों तरफ, और इस सनमाइका को वहां बिछा दूं और आपसे बोलूं चल के चले जाओ, आप गिर जाओगे रास्ते में, क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। दूरी इतनी ही है, लेकिन तब आपका मन गवाही नहीं दे रहा कि आप कर सकते हो। अभी इसके ऊपर तो आपको पता है गिरना ही नहीं है, तो आप तो एक पैर से
लंगड़ी चाल चल के भी निकल जाओगे, इसमें कुछ नहीं होगा आपको। सेम होगी अगर ये 100 फीट गहरी खाई में होगी, आप ऐसे ऐसे बैलेंस बना के जाओगे फिर भी गिर जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है कि गिरना है भाई, यहाँ तो गिरना ही है। आधी लड़ाइयाँ दिमाग से जीती जाती है, इसलिए मेरा यहाँ बताने का पर्पज है कि अगर जंगल में आप जा रहे हो, लेपर्ड सामने आ जाए तो आप चिल्ला के या जो टेक्निक्स होती हैं उससे, मैन ईटर टाइगर नहीं है तो उससे वो टाइगर भी भागेगा। मैंने जंगल में बहुत सारे जानवरों का सामना किया है इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, जो मेरा इस बात को कहानी को रोक के बताने का है कि जब आपके सामने अगर जंगल में जानवर आ जाए, लेपर्ड आ जाए, तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। मैंने कई वीडियोज़ में टेक्निक्स बताई हैं, वो आप देख लेना कि उसमें कैसे कैसे आपको करना है। 99% लेपर्ड भाग जाएगा, टाइगर होगा तो थोड़ा सा हिम्मत तो टूटेगी क्योंकि इतनी टेक्निक करते वक्त भी हिम्मत नहीं रहती, लेकिन अगर वो मैनीटर नहीं है तो वो भी भागेगा। लेकिन लेपर्ड के भागने की तो गारंटी है कि अगर आप वो डरोगे नहीं, और अगर आप डर के भाग गए तो पकड़ेगा आपको। तो चलिए स्टोरी पे आ जाते हैं। ये मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर पे है, मेन मॉल रोड नीचे है ये इंदिरापुरम में। हालांकि नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक है, कई बार गाड़ियां नीचे बहुत हॉर्न बजाती हैं, कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती है तो आवाज़ बहुत आती है। जब मुझे ध्यान आ जाता है मैं रोक देता हूँ वीडियो को, बोलना बंद कर देता हूँ, लेकिन कई बार नहीं ध्यान रहता बोलने के फ्लो में तो थोड़ा सा आप अवॉइड करना अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो। अब एंडरसन बोलते हैं कि वैसे तो पैंथर या लेपर्ड मैन ईटर कम ही बनते हैं, लेकिन जब ये बन जाते हैं तो जो उनका बड़ा भाई है टाइगर, उससे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये छोटे साइज का होता है और दूसरा पेड़ पर चढ़ जाता है। ये दो खूबियां होने की वजह से ये टाइगर से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। छोटे में ऐसी जगह छुप जाएगा जहां टाइगर छुप ही नहीं सकता, क्योंकि ये होता है भाई, लेपर्ड कितने किलो का होता है? 60-70 किलो से लेके 100-120 किलो तक का होता है। टाइगर जनरली 200 से 225 किलो तक होते हैं, अगर वो सुंदरबन के टाइगर ना हो तो। मेनलैंड के बाकी जगह के हैं, सुंदरबन के टाइगर छोटे हैं क्योंकि वो उनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल पाता, खारे पानी में सर्वाइव करना पड़ता, तो धीरे 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 छोटे होते गए। वो मैं सुंदरबन का वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो सुंदरबन के टाइगर 100 किलो के होते हैं, वो छोड़ दो, तो सारे लेपर्ड जनरली 80-60-100 किलो के हैं, टाइगर 200-250 दुगने, मतलब 2-3 लेपर्ड के बराबर एक टाइगर है, वो नहीं छुप पाता। और दूसरी बात क्या है कि लेपर्ड को पानी नहीं चाहिए, टाइगर को प्यास लगेगी उसको पानी पे आना ही पड़ेगा। अगर आप वाटर पॉइंट को रोक के बैठ जाओगे, अगर एक ही वाटर पॉइंट है, टाइगर मान लीजिए मैन ईटर है आप मारना चाहते हो, पानी उस जगह एक ही है, तो टाइगर तो पकड़ में आएगा ही आएगा, वहाँ आना ही पड़ेगा उसको। लेकिन लेपर्ड आएगा ही नहीं, वो जो शिकार मारता है उसके खून से ही उसकी प्यास बुझ जाती है, उसको इतना कम पानी चाहिए होता है। अब जिस लेपर्ड की हम बात कर रहे हैं, द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर, ये जो लेपर्ड था इसने करीब 42 लोग मारे थे, और इतना शातिर था कि दिमाग में ये इंसान को इसने पीछे छोड़ दिया था। और इसका जो वर्किंग एरिया था जहाँ ये वारदात करता था, करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर, 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया था। इसका आतंक ऐसा था कि पूरे इलाके में 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितनी झोपड़ियाँ थीं, जितने भी घर थे, उनके दरवाजे शाम को बंद हो जाते थे। बहुत सारे लोग टीन के बक्से, लकड़ी के बक्से, बोरियाँ दरवाजों के पीछे रख देते थे कि वो दरवाजा तोड़ के ना आ जाए। जब तक सूरज उग जाता था, ऊपर चढ़ जाता था, तब तक कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, उसके बाद ही अपनी डेली रूटीन फॉलो करते थे। कंडीशन ये थी कि घरों में वॉशरूम तो थे नहीं, तो लोग डर के मारे जाते नहीं थे, तो घर से सटी हुई दीवार या जो एरिया था उसी को एज ए लेटरिन बाथरूम यूज़ करते थे इमरजेंसी में, और गंदगी भी फैलती थी क्योंकि वो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते थे। अब जब आदमी इतना प्रिकॉशंस ले रहे थे तो उसको शिकार मिलने बंद हो गए। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम है कि कई जगह बताया हुआ है कि लेपर्ड दिन में शिकार नहीं करता, रात में ही करता है, मैन ईटर हो चाहे नॉर्मल हो। अगर वो नॉर्मल टाइगर है या मैन ईटर टाइगर है, दिन में भी शिकार कर लेता है। लेपर्ड मैन ईटर भी होगा तो रात को ही करता है, दिन में उसको खतरा होता है छोटे साइज की वजह से। तो वो रात में जब उसको शिकार नहीं मिला, रात को सारे आदमी बंद हो जाते थे, कोई रहता ही नहीं था बाहर, तो मारे कैसे? तो वो गड्ढा खोद के घुसने लगा, कच्चे मकान होते थे उनमें गड्ढा खोद के अंदर घुस के लोगों को पकड़ के ले आता था। अब जिस बंदे को खींच के ले जा रहा है वो चिल्ला रहा है, सारे लोग जग रहे हैं अपने अपने घरों में दरवाजा बंद करके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि आके उसको छुड़ा ले। कल मैंने जोवलागिरी की जो कहानी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि एंडरसन लिखा है कि जहां पे टाइगर ने पकड़ा उस आदमी को, बस गले से पकड़ा, वो हल्का सा कांपा और मर गया। तो टाइगर से आदमी ऐसे ही मरता, उसने पकड़ा ऑन द स्पॉट डेथ। लेपर्ड से नहीं होता, वो घसीट के ले जाता है,
क्योंकि वो गले को नहीं दबाना जानता आदमी का, जानवर को तो मारता है गले से, जो भी रीजन हो, कभी कहां से उठाएगा, कभी कहां से पकड़ेगा, फिर दूर ले जाएगा, वहां जाके मारता है। तो जब तक घसीट के आदमी को लेके जा रहा है, तब तक आदमी चिल्लाता रहता है, जिंदा रहता है। अब इसी लेपर्ड की एक कहानी है कि जब ये गड्ढा खोद रहा था, तो गड्ढा खोदते वक्त जहां इस मिट्टी की दीवार में गड्ढा खोद रहा था, वहां पत्थर लगे हुए थे, तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। अब उसने ये नहीं सोचा दूसरी जगह खोदूं, छत पे चढ़ गया, छत पे जो घास वाली छत थी वहां से गड्ढा खोद के अंदर आया, आदमी को मार दिया। उसके बीवी और बच्चे भी थे वहां पे, उनको नहीं मारा, लेकिन जब उसको ऊपर से ले जाने की कोशिश करने लगा तो उसको सहारा नहीं मिल रहा था और आदमी को वो कैरी नहीं कर पाया, बाहर नहीं ले जा पाया। गुस्से में उसने बीवी को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, फिर खाया नहीं, भाग गया वहां से। यहाँ एंडरसन लिखते हैं कि डे लाइट में आदमी काम करते थे, हालांकि चलते वो ग्रुप्स में थे, लेकिन एक भी घटना ऐसी नहीं थी कि जहां दिन में लेपर्ड ने किसी को मारा हो। हालांकि वो नलके में दिखता था, जब शाम ढल जाती थी तो गांव के आसपास टहलता हुआ नजर आ जाता था, दिन की रोशनी में नहीं आता था। तो एंडरसन बोलते हैं कि ये पोजीशन थी जब मैं गुम्मालापुर आया था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेप्सन, जिन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा था कि यहां आके जनता को छुटकारा दिलाइए। अब लोकल लोगों से जब बात करी एंडरसन ने, तो मालूम चला कि वो इतने हतोत्साहित है, उनको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये एक शैतान है, बुरी आत्मा है, और कोई इसे छुटकारा दिला नहीं पाएगा, और इस जिले को छोड़कर जाना ही एकमात्र उपाय है। और थोड़ी देर में ही एंडरसन को मालूम चल गया कि इनको गांव वालों से कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनका ये मानना था कि यह शैतान है, जैसे इसको मालूम चल जाएगा कि हमने एंडरसन की मदद करी है, वो हमें ख़त्म कर देगा। इवन जब वो बात करते थे तो फुसफुसा करते थे कि जोर से बात करेंगे तो कहीं लेपर्ड सुन ना ले, क्योंकि उसके अंदर एक शैतान बैठा है, वो भाषा समझ लेगा, सिंगल उस बंदे को निकाल के खींच के मारेगा। अब उस दिन ये खुले में चेयर डाल के बैठे एंडरसन, और पीठ उन्होंने उस घर की दीवार की तरफ कर ली थी, जो एकमात्र घर था जिसकी 12 फुट की दीवार थी। अब इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए उस घर की छत पे कांटे बिछवा दिए थे, क्योंकि बाकी तरफ से तो देख पा रहे थे, कहीं लेपर्ड पीछे से आके अटैक ना करते, तो घर की छत के ऊपर कांटे थे तो वहां से आ नहीं पाता। तो चांदनी रात नहीं थी, लेकिन आसमान साफ था, तो जो तारे थे तारों से भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और इनको दिखाई पड़ रहा था। अब ये कुर्सी डाल के बैठ गए, इनके पास राइफल थी, कंबल था, टॉर्च थी, पानी की बोतल थी, बिस्किट थे, और इनका पाइप था और उसमें तंबाकू और माचिस, क्योंकि इनको पूरी रात बैठना था जब तक सुबह ना हो जाए। अब बोले शाम ढल चुकी थी, ये बैठे हुए थे, अभी आसमान से तारों ने उतनी रोशनी देना शुरू नहीं किया था, काफ़ी अंधेरा था, रहस्यमय अंधेरा था। साइड में दो पहाड़ियाँ भी थी, वैसे धूप होती तो पहाड़ियाँ चमकती, लेकिन अंधेरे में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही थी। अब एंडरसन ने हाथ में बंदूक ले ली और पूरे अलर्ट होकर आंखों से स्कैन करना शुरू किया, एक एक एरिया, एक एक कोना वो आंखों से स्कैन कर रहे थे। अब बोले अगर मैं जंगल में होता तो ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा होता, क्योंकि वहां पे जानवरों की अलार्म कॉल का मुझे भरोसा होता है, कभी डियर बोलेगा, कभी बंदर बोलेगा, जानवर के प्रजेस जानवर बता देते हैं, लेपर्ड वगैरह टाइगर की। यहाँ गाँव था, यहाँ जानवर नहीं थे, बिल्कुल सन्नाटा था। अब कभी भी जानवर आता तो कोई मीन्स अगर कभी भी लेपर्ड आता तो इनको कोई बताने वाला नहीं था। हालांकि बहुत सारे कान थे जो एक चीख का इंतजार कर रहे थे, वो चीख होती एंडरसन की चीख जब लेपर्ड इनको मारता, क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि शैतान है और वो एंडरसन को छोड़ेगा नहीं। अब करीब 7:15 बज गए और तारों की रोशनी बढ़ गई थी, इतनी सफिशियंट लाइट हो गई थी कि पूरा गाँव देख पा रहे थे। अब हल्की रोशनी आने से एंडरसन का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। अब इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि लेपर्ड आए तो बार बार ये खांसने लगे, अपने आप से ही बातें करने लगे जोर जोर से, ताकि लेपर्ड सुने और शिकार समझ के इनकी तरफ आए। अब एंडरसन कहना है कि जो ये रीडर है हमारी बुक के, शायद ही किसी ने अपने आप से बातें करी हों लेपर्ड को बुलाने या ना बुलाने के लिए, क्योंकि जो आदमी अपने आप से बातें करता है उसको क्या बोला जाता है ये सबको मालूम है। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये भी एक बचाव होता है, यहाँ तो ये मैन ईटर था तो ये बातें कर रहे थे बुलाने के लिए, अगर मैन ईटर ना हो तो अपने आप से जोर जोर से बातें करना एक बचाव होता है। जैसे आप जंगल से जा रहे हो, आप जोर जोर से बातें करो, और भाई रमेश क्या हालचाल है, वो कहेंगे सुरेश सब बढ़िया है, तो लेपर्ड को ये लगता है यार ये एक आदमी नहीं 3-4 आदमी है, जब जोर जोर से बात करो तो होने के बावजूद वो नहीं आता है, ये सोचता है 3 आदमी है नहीं जाना मुझे, तो इसलिए बचाव होता है। लेकिन क्योंकि मैन ईटर था तो वो तो आदमी की आवाज़ सुन के आता है। अब गांव वाले वही सोच रहे थे जो इन्होंने बताया कि भाई आदमी यही समझता है कि तो पागल है, सटक गया इसका दिमाग जो अपने आप से बातें करता है। तो बोले मैं काफ़ी देर अपने आप से बातें करता रहा, लेकिन बोलिए आप मेरा विश्वास करिए,
अपने आप से बातें करना बड़ा मुश्किल है, जोर जोर से मन में कर लो कोई बात नहीं, देर तक करते रहे, थोड़ी देर करते रहे, फिर इनको बार बार वॉच भी करना था, तो इन्होंने अपने आप से बातें करना बंद कर दिया। अब 7:15 बजे इन्होंने बात करना शुरू किया था, 9 बजे बंद कर दिया अपने आप से बात करना, फिर इन्होंने गाँव में टहलना शुरू कर दिया। हाँ, जब वहाँ कोई गली वली में मुड़ते थे तो फिर ये अपने आप से बातें करने लगते थे। फिर इनको लगा यार ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कितना अपने आप से बातें कर रहा हूँ, कहीं से भी उछलेगा, किसी छत से, किसी कूड़े के ढेर के पीछे से, और मेरी बातें एक झटके में बंद हो जाएगी, चुपचाप बैठ जाओ भाई कुर्सी में। तो चुपचाप कुर्सी में आ गया, फिर बोला थैंक गॉड जिंदा वापस आ गया। अब समय बहुत धीरे धीरे गुजर रहा था और इनको लग रहा था कि पता नहीं टाइम क्यों नहीं बीत रहा है। करते करते इनको ठंड भी लगने लगी, क्योंकि जो जंगल की तरफ से हवा आ रही थी वो काफ़ी ठंडी थी। अब इन्होंने कंबल को अपने चारों तरफ लपेट लिया और ये तंबाकू भी जितना इनके लिए मतलब सेफ था उससे कहीं ज़्यादा पी चुके थे। उसके बाद भी इनको लग रहा था कि अब इनको नींद आ रही है, तो इन्होंने फिर चाय पी, बिस्किट खाए, फिर जो ठंडा पानी थर्मस में था उसके छींटे मारे अपने चेहरे पे, थोड़ी एक्सरसाइज करी, कुर्सी बैठे बैठे पुशअप ऊपर नीचे करने की कोशिश की, तब इनको लगा कि हाँ भाई अब इनकी नींद थोड़ी भागी है, अब ये बैठ सकते हैं। अब सुबह के 3:30 बजे कुछ ऐसा हुआ कि ये थोड़ा घबराने भी लगे और डिस्कम्फर्ट हो गया कि बादल आ गए थे ठंडी हवा के साथ में, उन बादलों ने वो जो तारों की भी हल्की टिमटिमाहट थी, जो रोशनी थी, ख़त्म कर दी। अब ये एक गज के दूर का भी नहीं देख पा रहे थे कि लेपर्ड एकदम सामने खड़ा होगा तो नहीं देख पाएंगे। अब इनके पास जो टॉर्च थी ये आधे आधे मिनट में जला के पूरा ऐसा फोकस मारते थे, बोले करना जरूरी था अगर जिंदा रहना है तो, लेकिन ये कह रहे थे ऐसा करने से मैं अपने चांसेस ख़त्म कर रहा था, क्योंकि अगर वो आ भी रहा होगा तो जब उसकी आंखों पे ये टॉर्च पड़ेगी तो उल्टा भाग जाएगा। अब इनको लगा कि टॉर्च जलाता हूँ क्या पता वो टॉर्च से ना डरे फिर भी आ जाए, मतलब इन शॉर्ट इनका मतलब ये था कि भाई टॉर्च जला के लेपर्ड आए ना आए मैं तो जिंदा रहूँगा, वरना लेपर्ड आ जाए मैं उसको मार ना पाऊँ, मैं भी चला जाऊँ क्या फ़ायदा होगा। अब बोले सुबह हो गई, अभी भी मैं उस कंडीशन में था कि मैं बार बार टॉर्च जला रहा था। अब गांव वाले आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो इनकी आखिरी रात थी, क्योंकि जो भी खुले में बैठेगा वो जाएगा, क्योंकि बुरी आत्मा थी, और ये बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि यार ये बच कैसे गए। फिर उनमें से कुछ लोग बोले ये आत्माओं से बात कर सकते हैं, मैंने सुना था रात को ये बातें कर रहे थे, जब ये खुद से बातें कर रहे थे वो सोच रहे थे ये आत्माओं से बातें कर रहे थे। अब थोड़ा सा उन्होंने एंडरसन को बताना शुरू किया कि बोला ये काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है, एक शिकार करने के बाद दूसरा शिकार काफ़ी दूरी पे करता है, ऐसा नहीं कि एक शिकार मार दिया उसी गांव में दूसरे आदमी को मारेगा, मतलब प्लानिंग के साथ ये काम करता है। अब पिछले 3 हफ्तों से गुम्मालापुर में कोई भी आदमी नहीं मारा गया था, तो ये कह रहा है जहां मैं था वहीं रहना उचित था, क्योंकि मैं कहीं कहीं इधर उधर घूमता रहूं, तो जहां वो नहीं आता है तो जाहिर सी बात है 3 हफ्ते से उसने नहीं मारा तो उसका टर्न आने वाला है यहां मारने के लिए। अभी बोले दिन में घूमने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये लेपर्ड था, दिन में नजर ही नहीं आता था, अगर टाइगर होता तो दिन में भी वे घूमता। अब ये खबर लगी कि इसके दाएं अगले पैर में चोट है, तो ये लोगों से भी पता चला, मार्क वगैरह चेक किए तो उसका जो पैर रखने का तरीका था उसके अगला पैर, उसका अगला पैर घायल था। अब इनके दिमाग में एक नया आइडिया आया, क्योंकि पिछली रात ये बड़े परेशान हुए थे, उस परेशानी से बचने के लिए अब इन्होंने सोचा कि एक झोपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए, उसमें आदमी की जैसे एक डमी बिठा दी जाए, उसी कमरे में कुछ सामान रख के पीछे छिप जाए, उससे जैसे ही वो दरवाजे में एंटर करेगा ये वहाँ गोली मार सकते हैं, या जब वो डमी पे अटैक करेगा, और ये एक तो गर्म भी रहेंगे ठंड भी नहीं लगेगी, दो तरफ से दीवार से कवर्ड रहेंगे तो इनको सामने ही फेस करना है तो इनको डर भी नहीं लगेगा। अब जब इन्होंने गांव वाले से बोला तो वो फौरन मान गए इनकी बात, और इनको वो वाली झोपड़ी प्रोवाइड करा दी गई जिसकी कि वो छत से घुसा था, और चार लोग, पहले हस्बैंड फिर वाइफ और बच्चे मार दिए थे, उसमें दरवाजा आधा खोल दिया गया, एक डमी बनाई गई तकिए साड़ी वगैरह से, दरवाजे से थोड़ा अंदर ही बिठा दी गई, और एंडरसन ने पोजीशन ले ली। अब इन्होंने कुछ बक्से रख के जो जगह बनाई थी, ये जो झोपड़ी थी 12x10 फीट की थी, कोने में उन्होंने बक्से रख दिए थे और उसके पीछे ये छिपके बैठे हुए थे। अब ये तैयार थे, ये बोले कि चाहे वो दरवाजे से आए चाहे वो छत से आए, मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं उसको गोली मार सकता हूँ। अच्छा, और रियलिटी लगे तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो अगल बगल के घर थे उनकी जो लेडीज थी, क्योंकि साड़ी बनाई हुई थी इसको डमी को, कि उनसे बोला धीमी धीमी आवाज में बात करना आपस में, आप एक दूसरे से, जो राइट वाले घर की और जो लेफ्ट वाले की आपस में बात करना, तो आवाज़ तो यहीं से जाएगी तो वो कंफ्यूज होगा और सोचेगा इसी घर में बात हो रही है। लेकिन जब इन्होंने बोला कि दोनों घर की लेडीज आपस में एक दूसरे से धीमे धीमे बात करना, तो उसी वक्त एक क्वेश्चन रेज कर दिया गया,
कि साहब वो डमी वाले घर में आने की जगह हमारे घर की छत फाड़ के आ जाएगा जहां से आवाज आ रही है। तब इन्होंने वादा किया कि भाई जैसे ही तुमको लगेगा घुस रहा है वो, एकदम से तो नहीं घुस जाएगा ना, पहले खोदेगा खादेगा, तुम चिल्लाना बंदूक लेके फौरन आ जाऊंगा। तो सारे लोग मान गए कि हाँ ठीक है, हम रात भर जगेंगे और धीमे धीमे आवाज में बातें करते रहेंगे। अब शाम के 6 बजे तक सबने अपनी अपनी पोजिशन ले ली थी, सारे दरवाजे बंद हो गए थे, केवल एक झोपड़ी का दरवाजा खुला था, वो यही झोपड़ी थी जिसमें एंडरसन बैठे हुए थे, डमी भी साफ साफ विजिबल थी और घरों से वो धीमे धीमे बात करने की आवाजें भी आ रही थी। अब थोड़ी देर में इनको सरसराहट की आवाज सुनाई दी छत पे, जिस झोपड़ी में ये बैठे थे। ये पूरे अलर्ट हो गए, लेकिन पता चला एक चूहा था, धड़ाम से इनके जो बक्से रखे थे जिसमें छुपे थे उन्हीं के ऊपर गिरा और क्योंकि रोशनी थी उसके अंदर, दरवाजे से ही निकल के भागा। अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और जो पड़ोस के घरों से जो आवाजें आ रही थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि बात करते करते वो सो गए थे। अब उनको इस बात का डर नहीं था कि मैन ईटर, लेपर्ड या पैंथर यहाँ पे है। ये पूरी रात जागते रहे, बीच बीच में पाइप पीते रहे, अपना थर्मस से निकाल के चाय पीते रहे। बोले जो चूहे थे जो उछल कूद मचा रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, उसको छोड़ के कोई भी आवाज नहीं थी। सुबह हो गई, ये भी फिर जाके सो गए क्योंकि इनको एक रात और जगना था। अब अगली रात भी इन्होंने सोचा यही काम किया जाए, क्योंकि आज एक ना एक दिन तो मैनिटर आएगा, यही सेफ तरीका है। और ऐसा करने में इनको एक ऐसा एडवेंचर हुआ जो इनको जिंदगी भर याद रहेगा। अब एंडरसन बोल रहे हैं कि पहला जो पोर्शन था आधी रात का, वो तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछली रात थी। चूहों की धमाचौकड़ी, बगल के घरों से धीमी धीमी आवाज में बात करना और इनका चाय पीना, पाइप पीना, यही सब चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से हवा चलने लगी और हवा से झोपड़ी की छत पे सरसराहट की आवाज आने लगी। अब धीरे धीरे हवा तेज होती गई, धीरे धीरे बूंदाबांदी शुरू हो गई, बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी, दरवाजा तो दिख ही नहीं रहा था और अच्छा खासा तूफान टाइप का आया और जोर से झमाझम बारिश होने लगी। अब जनरली क्या है कि लेपर्ड का नेचर है कि वो बारिश में निकलना पसंद नहीं करता, तो इन्होंने कहा आज की रात भी बेकार जाएगी क्योंकि अब ऐसी बारिश में लेपर्ड तो आने से रहा। अब पड़ोस के घर से लोगों की बात करने की आवाज़ें बंद हो गई क्योंकि वो सो गए थे, ये भी जब इनको उम्मीद थी कि वो नहीं आएगा, स्लीपी फील कर रहे थे और इनको ऐसा, और डमी भी दिखनी हल्की हल्की बंद हो गई थी, तो इनको लगा कि ये सो गए थे। इनको ये नहीं पता कितनी देर तक सोए थे, लेकिन इनको लग रहा था कि झपकी लग गई थी। तभी सडनली इनकी आँख खुली और इनको एकदम से लगा कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। एक आम आदमी जब उठता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि भाई मैं कहाँ हूँ नींद से, थोड़ा सा उसको, लेकिन मेरी जंगल ट्रेनिंग हुई थी, जंगल में मैं 3 दिन रहा था, मैं एक झटके में अपनी पोजिशन में वापस आ गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और कैसे मेरी झपकी लग गई थी। अभी उन्होंने देखा तो डमी सामने नजर आ रही थी, बारिश रुक गई थी, सारी आवाजें बंद हो गई थी। तभी इनको अचानक से लगा कि डमी चल रही है, वो जो साड़ी पहना के डमी थी, और फिर एक गुर्राहट की आवाज़ सुनाई थी। हुआ यह था कि पैंथर या लेपर्ड आ गया था, वो अपने पेट पे बैठ के बिल्कुल झुक के, जो उसकी स्टाइल होती है, बैठ के इसको देख रहा था। उसको लगा कि लेडी बैठी है, उसने झपट्टा मारा, खींचा, और जब खींचा उसको पता चला ये तो कोई लेडी है ही नहीं, तो वो गुस्से में गुर्राया था। अब ये जल्दी से उछले, उन बक्सों के बाहर आए, दरवाजे के बाहर निकले और वो जो डमी थी उसमें गिरते गिरते बचे, पैर उलझ के। अब बाहर आके इन्होंने टॉर्च दोनों तरफ दिखाना शुरू किया, लेकिन कहीं भी लेपर्ड दिख नहीं रहा था। इनको उम्मीद थी कि टॉर्च देख के क्या पता वो दोबारा आएगा। अब ये सावधानी पूर्वक गांव के इस छोर से उस छोर में घूमने लगे, हालांकि डर रहे थे कि सडनली अटैक हो जाएगा, टॉर्च जला जला के उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब एंडरसन बोलते हैं जिस तरह से मेरी सिक्स सेंस ने मुझे नींद से जगा दिया था कि कुछ खतरा उड़ जाओ, ऐसे ही लेपर्ड की सिक्स सेंस ने उसको बता दिया था कि एक आम आदमी नहीं है जो साड़ी पहन के बैठा है, आम औरत नहीं है, तो वो भी उसको अजमा रहा था और उससे वो समझ गया था कि यहाँ पे मामला गड़बड़ है। अब बोल रहे हैं या तो वो टॉर्च की जोरदार रोशनी थी या जो भी वजह थी उसकी आंख में पड़ गई होगी और वो वहां से गायब हो गया था। अब ये अफसोस करने लगे, यार मेरी झपकी कैसे लग गई, इतना बढ़िया मौका मिला था और मैं चूक गया। इन्होंने और ज्यादा डिसाइड कर लिया था कि अब तो इसको मारना ही मारना है। अब जब सुबह देखा तो गांव में लेपर्ड के पगमार्क थे, उसने एक नाला क्रॉस किया था तो गीले पगमार्क भी थे, और जो गांव वालों ने उसके पगमार्क के बारे में जानकारी दी थी कि उसका राइट पैर में चोट है, वो भी क्लियरली दिख रहा था। तो चोट की वजह से वो उसको पैर को यूं नहीं रख के यूं रखता था, तो उससे जो स्किन थी उससे थोड़ा धुंधला सा निशान बनता था। तो ये क्लियर हो गया था कि इसके पैर में चोट थी और इसी वजह से मैन ईटर बना था। बाद में मालूम चला कि इस इलाके में हैजा फैला था, कॉलरा, तो उसके चलते जो बॉडी थी वो ऐसे ही जंगल में छोड़ दी जाती थी आदमियों की, गिद्धों के खाने के लिए। तो उसको, उन बॉडीज को खा खा के इसको आदमी के मांस का स्वाद लग गया था। अगर आपको याद होगा कि रुद्रप्रयाग का मैन ईटर भी ऐसे ही मैन ईटर बना था जब उसको वहां पे
इन्फ्लुएंजा फैला था और उस वजह से डेड बॉडीज मिली थी। तो एक तो इसके पैर में चोट थी, ऊपर से इसको आदमी का स्वाद लग गया था मांस का, तो एज इस तरह से मैन ईटर बन गया और पूरे इलाके में दहशत की वजह बन गया। अब एंडरसन समझ गए थे कि गुम्मालापुर में काफी दिनों तक नहीं आएगा क्योंकि इसकी आंखों में टॉर्च पड़ गई है, ये डर गया है और अब ये अलर्ट हो जाएगा। अब एंडरसन को लगा कि इनको अपनी जगह चेंज करनी चाहिए, फिर उन्होंने गांव चेंज करके कर लिया देवारा बेट्टा। ये करीब 18 मील दूर था जहां ये अभी थे और इस देवारा बेट्टा गांव में 5 आदमियों को मार चुका था और पिछले 1 महीने से उसने कोई स्ट्राइक नहीं करी थी यहाँ पे। अभी उन्होंने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और निकल गए उस गांव के लिए, देवारा बेट्टा के लिए। थोड़ा रास्ता टफ था, 2 पहाड़ियों के बीच से एक छोटी सी स्ट्रीम जा रही थी, वहां से चल के जाना था। रास्ते में इनको एक बड़े मेल टाइगर के पगमार्क मिले जो कि 200 गज तक उस स्ट्रीम के किनारे किनारे चला था और उसके बाद साइड में हो गया था। अब बोल रहे हैं क्योंकि ये जल्दी निकले थे तो जो मॉइस्चर था उसमें उसके निशान थे टाइगर के, लेकिन ये टाइगर के पीछे नहीं गए, इनको जो इनका काम पता था इनको क्या करना था, और ये अपना देवारा बेट्टा की तरफ चलते गए। शाम को 5 बजे देवारा बेट्टा गांव पहुंच गए। जब ये वहां पहुंचे तो गांव वाले घर को बंद करके अंदर घुसने की तैयारी में थे क्योंकि एक ही घंटा था, 6 बजे अंदर जाते थे। थोड़ी बहुत बातचीत उनसे हो पाई और गांव वालों ने बोला कि हाँ जी, लेपर्ड के आने की कभी भी संभावना है क्योंकि 1 महीना हो गया वो यहाँ आया नहीं है और इतने लंबे समय तक इस गांव से कभी वो दूर नहीं रहता। अब इन्होंने जल्दी जल्दी वो घर देखा जिसकी की दीवार सबसे ऊंची हो और ठीक उसी तरीके से बैठे जैसे गुम्मालापुर में पहले बैठे थे, कि बाहर बैठे थे पीट करके, और इन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कांटे लगवाए छत पे ताकि छत की तरफ से ये सेफ हो जाए। अब जो कांटे थे पास के खेत की एक जो बाउंड्री बनाई गई थी वहां से लाए लोग, और इनको बंदूक लेके जाना पड़ा आदमी के साथ में गार्ड करने के लिए, कोई भी जाने में डर रहा था खेत की तरफ कि वहां लेपर्ड ना हो, तो उनसे ला के इन्होंने कांटे बिछवाए। अब ये गांव पुराने गांव से छोटा था और जंगल के काफी नजदीक था, इस बात से तो खुश हुए क्योंकि अब जब कोई जानवर जंगल की तरफ से आएगा तो इनको डियर या बंदर या किसी की कॉल सुनाई पड़ेगी और इनको पता चल जाएगा कि जानवर आ रहा है। अब हल्का हल्का चंद्रमा था आज की रात में और जंगल से जंगली मुर्गे और इस तरह के पक्षियों की आवाज आ रही थी, उससे ये पता चल रहा था कि जंगल में सब कुछ नॉर्मल है, शांति है। अब कभी रोशनी भी आ रही थी आकाश से, कभी कम सी लग रही थी, तभी अचानक 8:30 बजे सामर डियर की कॉल आई और उसके बाद बैक टू बैक कॉल आने लगी। अब ये समझ गया कोई बड़ा कार्निवोरस जानवर निकल पड़ा है और ये जो डियर है दूसरे जानवरों को अलर्ट कर रहा है कि अपनी अपनी जान बचाओ। अब जो वो कौन सा जानवर है, कोई टाइगर है कि लेपर्ड है या यही वाला लेपर्ड है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जंगल में जानवर भी अलर्ट हो गए थे, गांव के अंदर मैं भी अलर्ट हो गया था। अब वो जानवर बोलना बंद हो गया था, डियर, जिस तरह से डियर ने बोला था वहां से इनको एक टाइगर की आवाज सुनाई पड़ी। अब ये जो टाइगर की कॉल थी मेटिंग कॉल नहीं थी, ये नॉर्मल कॉल थी जंगल में घूमते वक्त वो जो करता है खाने की सर्च में जाते हुए, एक तरह से वो मुनादी करता है, ऐलान करता है कि तुम्हारे जंगल का तुम्हारा राजा निकल पड़ा है, आज तुम में से एक ना एक तो मरेगा और मेरा भोजन बनेगा। अब इनको गांव में एक तरफ से हलचल सुनाई थी, इन्होंने अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक हटा दिया, ट्रिगर पे उंगली, सावधान होकर पोजिशन लेके बैठ गए। आवाज आती रही आने की, इनको लग रहा है ये तो बड़ा दिलेर बन गया है लेपर्ड, चौड़े में आ रहा है एकदम, कवर नहीं, वरना तो लेपर्ड बड़ा छुप छुप के चलता है, दब दब के चलता है, तो पूरा ये सोचने लगे क्या चक्कर है कि पूरा दिलेरी के साथ आ रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस आ गया इसके अंदर। अब बोल रहा 30 गज की दूरी पे आ गया, आवाज आ रही है, 20 गज की दूरी पे आ गया, आवाज आ रही, कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो इन्होंने टॉर्च जला दी, देखा तो एक कुत्ता था जो आवारा कुत्ता होता है, गांव में खाने की सर्च में घूम रहा था और उसको आदमी की कंपनी चाहिए थी। तो जब इन्होंने टॉर्च जलाई तो उसने टॉर्च में भी देखता रहा और अपनी पूंछ हिलाता रहा, मतलब अपना दोस्ती का सिग्नल भेज रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब इन्होंने इशारे से उसको अंगूठे से बोला आजा आजा इधर आजा, तब भी नहीं आया, वो पूंछ ही पूंछ हिला रहा था। फिर उन्होंने बिस्किट दिखाए, थोड़े से बिस्किट खाने को दिए, इनके पास बैठ गया और फिर भी इनकी आंखों की तरफ ऐसे देख रहा था कि बस इतना ही दे रहे हो, क्योंकि उसने बेचारे ने 2 दिन बाद खाना खाया होगा लगता है। फिर उन्होंने थपथपाया, पूंछ हिला के इनके पास में ही सो गया। अब आधी रात बीत गई थी, अब ग्रेट हॉर्न आउल ने हूटिंग की साउंड निकाली जैसे वो निकालता है, और जंगल में सन्नाटा पसर गया। अब या तो कोई जानवर आ रहा था, और इनके दिमाग में दूसरे ख्याल भी आ गए कि अब लगता है जंगल में आत्माएं आ गई हैं, वो आत्माएं जिनके अधूरे ख्वाब हैं और जो अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है किसी न किसी वजह से, तो अपनी वो डीड्स निपटाने के लिए आत्माएं आसपास चक्कर काट रही हैं, क्योंकि वो उल्लू की साउंड है, वो हॉरर मूवी की तरह से लगती है। अब 1 बजा 2 बजा 3 बजा, ये काफ़ी थक गए थे, इनकी आंखें भी थक गई थी लगातार स्कैन करते करते, लेकिन ये बोल रहे हैं कि चलो शुक्र इस बात का था
कि जो तारे वगैरह थे उससे थोड़ा सा जो चंद्रमा था रोशनी सही आ रही थी, दिखाई दे रहा था, एकदम ऐसा नहीं था कि घुप अंधेरा हो, कुछ दिख ना रहा हो। तभी एक प्लॉवर की अलार्म कॉल आई, जिसको कि इंडिया में बोला जाता है डिड यू डू इट बर्ड, वो बार बार यही बोल रही थी डिड यू डू इट, डिड यू डू इट। अब बोल रहे ये बिल्कुल कोई शक नहीं था कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा देख लिया है, जिससे डरी हुई है, डिस्टर्ब हो गई है और लगातार चिल्ला रही है। अब इनके पैरों के पास जो कुत्ता लेटा था उसने अपना सिर उठाया, ऐसे ऐसे देखा, फिर सो गया, जैसे ऐसे दुनियादारी की कोई चिंता नहीं थी। तभी अचानक से कुत्ता जग गया, उसके कान खड़े हो गए, एकदम ऐसे देखने लगा, पूरा अलर्ट हो गया और इनके पैरों के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। तभी एक गुर्राहट सुनाई दी। अब कुत्ता जिस डायरेक्शन में देख रहा था वो गांव का एक टैंक का गली वाला रास्ता था, उससे उनको आइडिया लगा कि इस साइड लेपर्ड है। ऐसा ही लग जाता है, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, जंगली रिजॉर्ट में रात को लेपर्ड आ गया था और मैं रात के 1 बजे अकेला बाहर निकला था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उस टाइम 2 कुत्ते थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिस साइड मंदिर और ब्रिक हाउस है हमारे यहाँ, उधर को मुंह करके भौंक रहे थे। तो मुझे पता था कि लेपर्ड है लेकिन वो उधर है। जब आपको एक डायरेक्शन पता होती तो आपको डर नहीं लगता। एक दिन और अगर आप मेरे वीडियो देखोगे, मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा किसका था, शायद पनार मैनिटर का था, जिसमें मैंने वो क्लिपिंग दिखाई है कि मुझे सडनली सिक्स सेंस बोल रही थी कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल रहा था। एक वाटर टैंक था वहां से देख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कहाँ से देख रहा है, चारों तरफ से लग रहा था, तो डर लग रहा था। वहीं जहां मुझे पता था उसके कुछ दिन पहले कि लेपर्ड आया हुआ है, तब भी नहीं मैं डर लग रहा था क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता था कि वो कहाँ है, क्योंकि कुत्ते उस डायरेक्शन में भौंक रहे थे। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है कि जब आपको पता होता है कि खतरा कहाँ है तो आपको डर नहीं लगता, और जब आपको चारों तरफ से खतरा नजर आ रहा होता है तब आपको डर लगता है। अब ये लगातार घूरते रहे उस तरफ, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। काफी ध्यान से देखने के बाद इनको लगा कि एक परछाई उसी लेन में एक जगह से दूसरी जगह चल के गई है। अब ये अलर्ट हो गए और बड़े ही ध्यान से देखने लगे तो सेम तरह की मूवमेंट उधर से इस तरफ थोड़ा पास आने की तरफ फिर से हुई। अब इन्होंने अपने टॉर्च वाली जो स्विच था उस पर उंगली रख ली, बड़े ध्यान से देख रहे, थोड़ी देर में वो जो परछाई थी उछल के एक छत पे चढ़ गई पास वाले घर के। अब क्योंकि सारी झोपड़ियों की छत आपस में जुड़ी हुई थी तो ये समझ गए कि ये जो पैंथर है, जो लेपर्ड है, ये छत पे चढ़ा है मेरे ऊपर पीछे से हमला करने के लिए। इनके पीछे छत के ऊपर कांटे बिछे हुए थे, क्योंकि ये चालाक लेपर्ड है तो सामने से नहीं आ रहा है, छत पे चढ़ के पीछे से आके मेरे ऊपर कूदेगा। अब ये जल्दी से हट के पीछे दीवार से सट के बैठ गए, क्योंकि दीवार के ऊपर जो एक जो उसकी शेड आता है छत का, वो आगे तक था, तो जहां ये कुर्सी डाल के बैठे थे वहां पे तो लेपर्ड कूद के आ सकता था, लेकिन जहां ये दीवार से सट के बैठ गए थे अब लेपर्ड इनके ऊपर कूद नहीं सकता था। कूदता तो आगे गिरता और इनके ट्रिगर पे उनकी उंगली थी, दूसरे हाथ का अंगूठा टॉर्च पे था। अब थोड़ी देर में इनको सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी अपनी ही झोपड़ी के ऊपर जहां ये बैठे थे। अब वो लेपर्ड जो कांटे थे उनसे बच बच के निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन कांटों से निकल नहीं पाया, तो वो शांत होकर बैठ गया या कहां चला गया इनको मालूम नहीं चल रहा था। अब ये 15 मिनट बीत गए, चारों तरफ देख रहे थे, अंदाजा लगा रहे थे कहां से कूदेगा, बिल्कुल अलर्ट थे, इनको लग रहा था लेपर्ड अब कूदा कि तब कूदा। अब ये सोच रहे थे कि कहां से आएगा, तभी वो कुत्ता अचानक से एकदम अलर्ट होकर उठ गया, जो इनके पैरों के पास छुपा हुआ था, अचानक से सड़क के बीचों बीच में खड़ा हो गया और जिस झोपड़ी के नीचे बैठे थे उसकी छत की तरफ देख के लगातार भौंकने लगा। और इस कुत्ते की वार्निंग ने इनकी जान बचा ली। उस कुत्ते के भौंकने के 5 सेकंड के अंदर लेपर्ड इनके ऊपर कूद गया। इनको बस इतना टाइम मिला कि टॉर्च का बटन दबाए और जो अपने हिप पे रख के बंदूक रख के बैठे थे 0.405 विंचेस्टर राइफल, उसका ट्रिगर दबा पाए। अब बंदूक की गोली उसको हवा में लग गई, जब उसकी आंखें चमक रही थी, उसका मुंह खुला हुआ था, उसके बावजूद वह इनके ऊपर ही आने वाला था। जल्दी से एक साइड हुए, वो दीवार के पास गिरा, इन्होंने 2 गोलियां और दाग दी। अब वो मर तो गया था लेकिन उसका हल्का हल्का सा जबड़े हिल रहे थे, पूंछ हिल रही थी। तभी वो कुत्ता बड़ा खुश हो गया, उसने कहा ये मेरा नया मालिक तो बहुत बढ़िया है, आया और उसने लेपर्ड के गले में अपने दांत गड़ा दिए कुत्ते ने। तो इस तरह से स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर मर गया, और ये ऐसा खतरनाक लेपर्ड था जिसने पूरे इलाके में तहलका मचा रखा था। ना इसके पहले मैंने कभी ऐसा सुना था और ना ही मैं ऐसा आगे कभी चाहूंगा कि ऐसा सुनूं। अब जब ये स्किनिंग कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो उसके पैर में चोट थी, जो इनको लग रहा था कि कोई बंदूक की गोली से चोट होगी जिसकी वजह से पैर को ऐसा रखता है, वो बंदूक की गोली से नहीं था, उसको 2 पॉर्क्यूपाइन के कांटे लगे हुए थे पैर में, काफी पहले लगे थे क्योंकि जो कांटे थे उसके आसपास हड्डी ने भी पोजिशन ले ली थी, पुराने कांटे थे, इस वजह से उसकी आदत हो गई थी ऐसा पैर रखने की जगह ऐसा
तिरछा रखने की। अब जो वो डॉग था उसको ये अपने साथ ले गए अपने घर और उसका नाम रखा निप्पर। और निप्पर इनके साथ कई सालों तक रहा। उसके बाद से इनको कभी भी अफसोस नहीं हुआ कि उस रात उन्होंने बिस्किट और सैंडविच खाने को दिए थे, जब निप्पर ने इनकी तरफ देखा था कि बस इतना ही दे रहे हो। बोला उसने अपने उस छोटे से कर्ज का भुगतान कुछ ही घंटों में कर दिया था और मेरी जान बचा ली थी। तो दोस्तों ये एंड हो गई कहानी द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर। अगली कहानी हमारी होगी द स्ट्राइप्ड टेरर ऑफ चमाला वैली। से आप समझ गए होंगे लेपर्ड, स्ट्राइप से आप समझ गए होंगे टाइगर। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।